टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आरएमएस 2020 जो अभी आपकी रिसेंटली 19 सितंबर को हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर जीके पोर्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो ये देखिए आपके क्वेश्चंस हैं। सो मैं थोड़े से ही बच्चों को ऑप्शन दूंगी। हु रॉट आर नेशनल सॉन्ग, हमारा नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? ओके पलास मैम, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ओके। प्रतीक मैम, बंकिम चंद्र चटर्जी। यस, बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट ऑप्शन। जो आपका ये नेशनल सॉन्ग जो है बच्चा हमारे किसने लिखा है? ये लिखा है बच्चा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who created the legendary comic character of Chacha Chaudhary? Sabu. ये कुछ एक character साथे थे, तो जो Chacha Chaudhary character था बच्चा, वो किसने बनाया था? किसने create किया था? Yes, Dikshansh. मैम, answer is Pran Kumar Sharma. Yes, answer is Pran Kumar Sharma. चलो बच्चा, next question is, which country is the largest producer of gold? सबसे ज़्यादा gold कौन produce करता है? अमोघ बताएँगे। China. China is the right option. Very good, बच्चा. So China जो है आपकी सबसे ज्यादा produce करता है gold. Next question is, which is the secret intelligence agency of Israel? Israel जो है बच्चा, उसकी जो secret intelligence agency है बच्चा, वो कौन सी है? कौन बताएगा? भव्य बताएं। यस भव्य बताइए बच्चा। आईसीआई मैम। आईसीआई, ओके। दिव्यांश बताओ बच्चा। नो आदित्य बच्चा, फटाफट थोड़ा सा स्पीड रखनी है हमें। यस आदित्य। मैम ए ऑप्शन मैम, मोसाड। यस मोसाद, ये क्या है बच्चा? ये आपकी सीक्रेट एजेंसी है ऑफ इजराइल। चलो थैंक यू आदित्य। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम हिमालयाज। अभी बच्चा मुझे क्वेश्चन तो रीड करने दो। चलो जस्ट अ मिनट। तो ये देखिए, दिस इज मोसाद। ठीक है, ये आपके इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है। अब बेसिकली बच्चा मोसाद का जो फुल फॉर्म है, ये थोड़ा सा इजरायली लैंग्वेज में है। सो मरकज़ाई इल मोदीन उल तकदीम मयूहदीम, जिसका जो इंग्लिश में हम लगा सकते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन। सो मोसाद का जो फुल फॉर्म है बच्चा, वो इजराइल लैंग्वेज में ही है। सो ये जो है आपकी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, ये आपका इस स्लाइड में मोसाद आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन बताएगा? वेदांश, रोहित। उसके बाद साउथर्न ग्रेट एस्क्रेपमेंट, रॉकी माउंटेन्स एंड ट्रांसलार्टिक माउंटेन्स, ये आपके साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका में चारों जो माउंटेन रेंज है लोकेटेड है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो आपका एनीमोमीटर है बच्चा, वो क्या मेजर करता है? रेन मेजर करता है, विंड स्पीड, एटमोस्फेरिक प्रेशर या फिर टेम्परेचर? क्या मेजर करता है हमें बताएंगे शौर्य पाठक। यस शौर्य बताइए बच्चा। मैम विंड स्पीड। विंड स्पीड, ओके वेरी गुड।
और इससे रोहित क्या मैटर करेगा? विंडस्पीड। ओके सो दिस इज द राइट आंसर। ये देखिए जो ग्रीन कलर में आपके यहाँ पे ये देखिए आपके क्या मेजर करता है, विंड स्पीड बचा ही मेजर करता है। अब जब हम बात करते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर भी आपके वहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ था, तो बच्चा फिर ये एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है उसको मेजर करने के लिए कौन सा है, तो दैट इज बैरोमीटर। ओके उसके बाद हम बात करते हैं कि रेन को कैसे, तो रेन गेज से मेजर किया जाता है। और बच्चा एज यू नो कि टेम्परेचर को मेजर किससे करते हैं, डॉक्टर से, जैसे आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो टेम्परेचर किससे मेजर होता है, इट इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। सो डेफिनेटली एनीमोमीटर क्या करता है बच्चा, विंड स्पीड को मेजर करता है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज गोइंग टू आंसर नेक्स्ट, स्टूडेंट्स किससे पूछते हैं, बहन का टर्न नहीं आया। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ सिचुएटेड है? सतीश धवन श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, चेन्नई और गोवा। इतना टाइम, यू आर नॉट ऑडिबल बहन, सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल, किसी और को दिया जाए ऑप्शन। जैस्मीन कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? अमो श्रीहरिकोटा, यस श्रीहरिकोटा इज द राइट ऑप्शन। तो ये जो आपका स्पेस सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर जिसको SDSC भी कहते हैं, ये श्री हरिकोटा में कहाँ पे, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वेरी इजी क्वेश्चन, इस बैच को हमने करा हुआ है फंडामेंटल राइट्स बैच 5 आप लोगों ने किए हुए हैं। सर बताइए हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने आंसर करना है? प्रेक्षित कहाँ बैठ गए उधर दूर जाके, कर क्या रहे हो, सारा खाने पीने का टाइम यही पे होता है इसी क्लास में, बताओ कितने फंडामेंटल राइट्स है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैम सिक्स। सिक्स, यस सिक्स इज द राइट ऑप्शन। हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, वी आर हैविंग सिक्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बच्चा कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करवाए हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज पार्लियामेंट ऑफ जापान कॉल्ड? अब जो पार्लियामेंट है जापान की, लाइक इंडिया में अभी है लोकसभा एंड राज्यसभा, तो इन दैट सेम वे जापान में भी है। तो शुभम इज रेडी, ओके शुभम बताइए क्या कहते हैं जापान की पार्लियामेंट को। मेनी स्टूडेंट्स आर आंसरिंग मी इन मैसेज बॉक्स, क्या कह रहे हो शुभम? डी, ओके यस डायट कहते हैं जापान की जो पार्लियामेंट है बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, उसको नेशनल डायट बोलते हैं। और ये बच्चा बाइकैमरल है, बाइकैमरल मींस टू पार्ट्स है इसके, लाइक वी आर आल्सो हैविंग बाइकैमरल पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इनका जो लोअर हाउस है बच्चा उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, एंड जो इनका अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ काउंसलर्स कहते हैं। ओके सो दैट इज द राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर साक्षी, साक्षी बहुत अपसेट होकर के चुप करके बैठ गए, चलो साक्षी सीधे हो जाओ बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। यस साक्षी, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा? साक्षी अनम्यूट योरसेल्फ। नो एकम प्री, मैम थ्री, मैम 272 मैम। ओ इतने सारे हो गए, कब हुए पता ही नहीं पड़ा। अमोल, संकट, मैम 250। यस 250। अब देखो बच्चा इन्होंने क्या क्वेश्चन आपका क्या है, इन्होंने आपसे करंट नहीं पूछा है, एक तरीके से इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बच्चा राज्यसभा में आपके मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, इसमें मेंबर्स हो सकते हैं 250 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, बट एट प्रेजेंट कितना है 245, 233 स्टेट्स से है और 12 मेंबर्स आपके यूनियन टेरिटरीज से है। इन दैट सेम वे लोकसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम फिगर कितना है 552, एट प्रेजेंट 543 है, उसमें 530 स्टेट्स से और 13 यूटीज से है, और यूटीज अपने मैक्सिमम 20 मेंबर्स भेज सकता है, यूटीज से इससे ज्यादा जो है मेंबर्स नहीं आएंगे।
तो अच्छे से स्लाइड को रीड कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अगेन आपके एग्जाम होंगे एंड अगेन ही ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सो बेटर प्रिपेयर योरसेल्फ। चलो नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू आंसर, व्हाट मेक्स आर मसल्स, हमारी मसल्स बच्चा किससे बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट्स और प्रोटीन, वेयर इज आदित्य, आदित्य इज गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, आदित्य 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 एंड रोहित, ओके आदित्य बताओ। मैम मैम हमारे मसल्स प्रोटीन से बने हुए हैं। प्रोटीन से बने हैं, ओके रोहित क्या आंसर है आपका? मैम प्रोटीन आंसर है, प्रोटीन आंसर है, यस, सो डेफिनेटली दिस इज द राइट आंसर कि हमारी जो मसल्स है बच्चा वो बेसिकली किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं, सो डी इज द राइट ऑप्शन। चलो अब आपको पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा वो कहाँ पे लोकेटेड है, शौर्य पाठक एंड वहीन कटियार, फटाफट से आंसर कर दो बच्चा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं इस क्लास के, आज बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो, चलो ठीक है बच्चा, मुंबई इज द राइट ऑप्शन। तो हमारा ये जो स्टॉक एक्सचेंज है बच्चा ये कहाँ पे लोकेटेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये, ठीक है, लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज आप कर सकते हो, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में ये स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, ये आ गया 63 क्वेश्चन। चलिए अब आपको पता है एंशियंट लोथल, लोथल अब है क्या बच्चा, लोथल एक साइट है, कहाँ पे पढ़ी थी रोहित हमने, ये बहुत अच्छे से टॉपिक हमने करा है। मैम एंशियंट हिस्ट्री मैम, लोथल साइट है मैम जो कि गुजरात में, गुजरात में है, एंड है किस में ये, कौन से उसमें सिविलाइजेशन में आएगी ये, कौन से सिविलाइजेशन की साइट है, सिविलाइजेशन में आएंगी, एंड मैम ये पोर्ट है मैम, ये जस्ट अ मिनट रोहित बोलो बच्चा, मैम और ये जो सिटी है मैम ये ओशंस के मैम किनारे हैं, यस, तो इसको आल्सो इसको एक्सक्यूबेट किसने किया है बच्चा, एसआर राव ने किया है 1954, ये तो हमने बहुत अच्छे से टॉपिक किया था, ठीक है, तो ये आपके कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन द बोगावा रिवर है वहां पे गुजरात में बच्चा, ये वहां पे लोकेटेड है। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब तीर्थंकर वर्ड सुना है किसी ने, तीर्थंकर एनी जैनी हियर, कोई जैनी है यहाँ पे बच्चा, जैन स्टूडेंट कोई, प्लीज रेज योर हैंड कोई अगर जैन है यहाँ पे, तो किसी का सन्नी नहीं दिख रहा, प्रतीक आर्य अब बताओ किसका आंसर, चलो बताओ क्या होता है तीर्थंकर, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, डू फास्ट थोड़ा सा जल्दी। मैम इसका आंसर सिक्किम है, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम में कहा तीर्थंकर आ गए, यस दिव्यांश तिमन, दिव्यांश तिमन साहब जल्दी करिए क्या आंसर है। मैम इट्स आंसर इज जैनिज्म, यस जैनिज्म इज द राइट आंसर, क्यों बच्चा, क्योंकि जो आपका जैनिज्म है उसमें बच्चा टोटल कितने हैं, देयर आर टोटल 24 तीर्थंकर्स, ठीक है ये देखिए 24 तीर्थंकर्स हैं आपके यहाँ पे जैनिज्म है, और जो आपके महावीर थे बच्चा ही वाज 24, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। चलो बजरंग पुनिया नाम सुना है किसी ने, ये कौन से गेम से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग, दीक्षांश बताएंगे, यस दीक्षांश। मैम आंसर इज रेसलिंग, रेसलिंग, रोहित, साहिल फटाफट आंसर करो बच्चा, मैम रेसलिंग, मैम बजरंग पुनिया जो है, यस बजरंग पुनिया जो है बच्चा वो किससे रिलेटेड है, ही इज रिलेटेड विद रेसलिंग, रेसलिंग से रिलेटेड है। चलो बच्चा और ये है कौन, तो ये रहे आपके बजरंग पुनिया, ठीक है इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर है ये, चलो बच्चा ठीक है। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब आपके टोटल कितने स्टेट्स एंड कितने यूपीज हैं, अब ये भी हमने बहुत अच्छे से और बहुत बार क्लास में किया था, चलो किसी से पूछते जिसने अभी तक आंसर नहीं किया, अमोक का टर्न आ चुका है, जीवन
ओके स्टॉप डांसिंग जीवन चलो आंसर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66 हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन दे आर हैविंग मैम 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी मैम यूनियन टेरिटरीज यस वी आर हैविंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज आफ्टर ये जो अमेंडमेंट हुआ है 370 जो आर्टिकल अबॉलिश हुआ है उसके बाद में वी आर हैविंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज चलो बच्चा राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 हो चुका है नाउ क्वेश्चन नंबर 67 चलो अब बच्चा आपके अभी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने फार्मर्स को हेल्प करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया ओके प्रतीक बताओ बच्चा आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो इसके आंसर के लिए कौन सा ऐप है वो मैम मेघदूत यस मेघदूत इज द राइट ऑप्शन सो आपके अभी जो रिसेंटली ये देखिए मेघदूत दिस इज अ न्यू एप्लीकेशन जो कि अभी आपके लॉन्च की गई है टू हेल्प फार्मर्स ओके चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68 अब जब हमने कॉन्टिनेंट्स करे थे एंड ओशियंस करे थे वेयर इज रोहित 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 बताओ अब जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है बच्चा वो किन टू ओशियंस के बीच में लोकेटेड है मैम पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन मैम सी पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन चलो नाउ आई एम शोइंग यू इमेज एक इमेज मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद नाउ बताइए आप मुझे किन टू ओशियंस के बीच में ये लोकेटेड है ये रहा आपका मैप रोहित कहाँ रहा ऑस्ट्रेलिया ये रहा कौन से दो ओशियंस आ गए वेयर इज आदित्य आपने भी एग्जाम दिया था हाँ जी आदित्य क्या है आंसर मैम पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन इंडियन ओशियन ये देखो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो आप हमने ये किया हुआ है बच्चा इसलिए तो मैं ये इमेजेस शेयर करती हूँ आपके जब भी हम लोग क्लास में भी स्टडी करते हैं पीडीएफ में मैं शेयर करती हूँ तो उसमें इमेजेस होती है बस इमेजेस को आप अच्छे से देखो ग्लोब को अच्छे से स्टडी करो किसकी कहाँ लोकेशन है बहुत अच्छे से स्टेट्स को इंडियन मैप्स को बहुत अच्छे से इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ अपने रूम में मैप का आप चार्ट लगा लो डेली उसको देखा करो अच्छे से सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे मतलब कौन सी कहाँ लोकेटेड है किसकी क्या पोजिशन है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 रैम आपके कंप्यूटर में एक टर्म होती है रैम सो इसकी फुल फॉर्म भव्या बताएंगी चलो भव्या जी बताइए जल्दी से आयुष यादव का भी आंसर नहीं आया टर्न नहीं आया आयुष बताओ बच्चा रतन जी का भी टर्न नहीं आया हाँ जी रतन बताइए जल्दी से क्या है रैम की फुल फॉर्म मैम रैंडम एक्सेस मेमोरी मैम रैंडम एक्सेस मेमोरी यस बच्चा रैंडम एक्सेस मेमोरी वेरी कॉमन क्वेश्चन ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था सो आपको जो इस बार का पेपर आया बच्चा काफी ही इजी आया है ज्यादा टफ नहीं है सो लेट्स होप आपका सिलेक्शन हो ही जाए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70 चलो अब साइंस का क्वेश्चन है थोड़ा सा विच कलर ऑफ लाइट स्कैटर्ड मोस्ट सबसे ज्यादा कौन सा रंग बिखरता है साहिल प्रजापति सुदीप सिंह प्लीज डू आंसर 99 मैसेजेस आर देयर व्हाइट ओके और किसने आंसर नहीं किया श्रेयसी का एक बार भी टर्न नहीं आया ओके श्रेयसी प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन मैम ब्लू यस ब्लू इज द राइट आंसर ब्लू जो कलर है बच्चा सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है मीन सबसे ज्यादा बिखरता है दिस इज द रीजन कि हमें आपका जो स्काई है वो मोस्टली हमें ब्लू ही दिखता है बिकॉज ब्लू कलर क्या है बच्चा सबसे ज्यादा बिखरता है सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ये हमारा वेरी कॉमन क्वेश्चन इसका भी आंसर सबको पता ही होगा आजकल की ये जो एज चल रही है दैट इज कंप्यूटर एज सारे ही बच्चों के इनसे आंसर पता होंगे 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं शंकर जी बताएंगे और पुलकित शर्मा बताएंगे सौर्य आप भी बता दीजिए 24 बाइट्स बोलो बच्चा मैम 24 बाइट्स 24 बाइट्स मैम 1024 बाइट्स यस मैम देखो ऑप्शन नंबर ए शंकर जय शौर्य बच्चा मैं आप दोनों को देखिए बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ ये आप दो आर यू ट्विंस दोनों yes, मुझे पता है क्या लगता था मुझे लगता था
मुझे हमेशा से लगता था लाइक आपने एक तरफ कैमरा से मतलब आ रहे हो, एक तरफ मोबाइल से आप लोगों ने चार्ज लगाई है, एक तरफ कंप्यूटर से लगाई है, तो दिस इज द रीजन मुझे लगता था एक ही बच्चा है। चलो एनी हाउ हाँ चलो कंफ्यूजन दूर हो गया। हाँ जी आदित्य, सेकंड आदित्य आज आपका टर्न नहीं आया, बताओ बच्चा 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, डू इट फास्ट, थोड़ा सा फास्ट। मैम 1024 bytes। यस 1024 bytes इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट से ऑन आवर स्क्रीन। चलो क्वेश्चन नंबर 72, वेयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलिफेंटा केव्स इज लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई, पुणे, नासिक और नन ऑफ दीज। दीपांशु, दीपांशु की टर्न नहीं आई यार, चलिए दीपांशु आंसर दिस क्वेश्चन बच्चा। हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी चीजें। हाँ जी दीपांशु बोलो बेटा क्या है आंसर। यस मुंबई में लोकेटेड है ये जो हमारी एलिफेंटा केव्स है बच्चा, ये आपकी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करी है, और ये बच्चा कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमारे लोकेटेड है आपके मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में दिस साइट इज लोकेटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर आदित्य, आदित्य काफी देर से हैंड रेज कर रहे हो, कहाँ गए आदित्य, ओके आदित्य आई गॉट यू। चलो विच इज द लाइटेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड, लाइटेस्ट मेटल कौन सा है मैम, लिथियम की बात है, लिथियम डन है, नहीं हुआ तो पक्की बात है मैम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। ओके चलो ठीक है, सो आदित्य जो है वो काफी ठीक है, बहुत ज्यादा सही है, लिथियम बच्चा ठीक है फर्स्ट पोजीशन में, सबसे लाइटेस्ट लिथियम, देन बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सो इनको कलेक्टिवली बच्चा लाइटेस्ट मेटल बोला जाता है, इन सेवन जो ये मेटल्स इनको कलेक्टिवली लाइटेस्ट मेटल बोला जाता है, उसमें भी सबसे कम कौन सा हो गया, एज आदित्य टोल्ड अस लिथियम। ओके सो लिथियम इज द राइट ऑप्शन। वेयर इज रोहित, रोहित कहाँ गए, रोहित ने भी इस बार दिया था आराम इसका। चलो रोहित नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं बच्चा, मैं ऐसे बच्चों को आज देख देख के नहीं पूछ रही हूँ, ओके सो आप लोग बुरा मत मानिएगा, डेफिनेटली एक एक बच्चे से पूछ करके हम लोग और डिस्कशन अच्छे से करेंगे, आज बस हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चलो आदित्य वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज, आपके जो लीव्स होती हैं, सो व्हाट व्हाई आर द लीव्स ग्रीन इन कलर, उनके पीछे क्या रीजन है, क्यों वो ग्रीन होती है अमोग। मैम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यस क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। यस अमोग आपका क्या आंसर है बच्चा। मैम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यस क्लोरोफिल जो होता है बच्चा, उसकी प्रेजेंट की वजह से ही हमारी जो लीव्स होती हैं उनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। चलो अब आप एक बार देख लेते हैं कुछ और बच्चे जिनके टर्न्स नहीं आए हैं, साक्षी चुप बैठ गई। चलो साक्षी बताओ विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, क्वेश्चन नंबर 75, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, हाईएस्ट रैंक। मैम भारत रत्न अवार्ड। यस भारत रत्न अवार्ड, ये बच्चा हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। चलो विच इज द बिगेस्ट बोन, बिगेस्ट बोन कृष्णा बताएंगे, कृष्णा चुप करके बैठ गए। चलो कृष्णा आंसर दिस क्वेश्चन, कौन सी बोन है और कहाँ पे होती है। यस कृष्णा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, थोड़ा सा जल्दी करिए बच्चा, इतनी देर मैम। नो Too much disturbance from your side. Okay, Shayasi बताइए, साहिल बताइए। मैम फीमर बोन। ओके Shayasi कहाँ होती है फीमर बोन, साहिल बताइए कहाँ होती है फीमर बोन। मैम जांग की हड्डी में। यस या फिर इसको हम लोग थाई बोन में बोलते हैं, दिस इज द रीजन कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं फीमर बोन को, वी ऑल्सो कॉल थाई बोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77,
What is a figure with nine sides called? Nine sides का जो figure होता है बच्चा जिसके nine sides होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऋषि बताइए. आदित्य वन, आदित्य टू. Do it fast. मैम नोनागोन. मैम नोनागोन. नोनागोन. मैम ऑप्शन सी. हाँ जी पुलकित. Unmute yourself. नोनागोन. नोनागोन. कितना प्यार से कितना सोच सोच करके आंसर बताया है. सो ओके राइट आंसर. जीके में कैसे आ गया ये वाला क्वेश्चन. चलो एनी हाउ ये देखिए नाइन साइड्स है इसके उसको क्या बोलेंगे बच्चा इसको नोनागोन बोलते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 70% ठीक है हमारे बॉडी का 70%. व्हाट मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में 70% क्या होता है रोहित बताएंगे. चलो रोहित फटाफट से आंसर कर दो. हाँ जी मसल्स. मसल्स ओके. आदित्य कहाँ पे है. ओके आदित्य क्या होता है. मैम वाटर. ओके वाटर. रोहित सीन्स लाइक आपने कोई यूट्यूब का वीडियो देख लिया था करेक्शंस के लिए. खुद नहीं मतलब सर्च करे कहाँ गए रोहित. हाँ जी रोहित क्या खुद ने सर्च नहीं करे थे आंसर्स या खुद ने ट्राई नहीं करा था. मैम के लिए मैम वाटर भी हो सकता है मैम मसल्स भी हो सकता है मैम दोनों. आपने क्या करा मुझे तो वो बताओ आप क्या करके आए. मेरा आंसर मैम वाटर मसल्स. ओलंपिक गेम्स हैज आफ्टर एवरी कितने साल बाद होते हैं ओलंपिक गेम्स. मैम 4 इयर्स. मैम 4 इयर्स. आदित्य नेक्स्ट ओलंपिक कब होना है. 2000 मैम 2024 में मैम पेरिस. ओके ठीक है सो पेरिस फ्रांस में आपका 2024 वाला होना है. और जो विंटर ओलंपिक होगा नेक्स्ट वो कहाँ होना है. मैम चाइना में. चाइना बीजिंग चाइना में आपका जो विंटर ओलंपिक है वो होना है. चलिए जी विच इज द ओल्डेस्ट लैंडमार्क ऑफ इंडिया. सबसे पुराना भूभाग कौन सा है. रतन 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 बताइए दे दूसरे रतन. मैम हिमालय. हिमालय. रोहित शौर्य वहन जल्दी साउथर्न पेनिनसुला. इज द राइट आंसर. चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81. ये देखिए अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. सो इस क्वेश्चन को पहले हम एक जो है हमारे पास लिस्ट जो है बेसिकली जितनी भी कोस्ट लाइन लगती है मीन्स हमारे यहाँ पे जितने भी स्टेट्स और यूटीज है जिनमें कोस्ट लाइन लग रही है तो हम एक बार उनको देखते हैं. हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो ये जो कोस्ट लाइन है बच्चा आप एज इट इज लर्न कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छे से. चाहे 2-3 करके लर्न करिए बट लर्न करिए. अब देखो यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा करते जाना है हमें. गोवा हो गया. गोवा के बाद बच्चा आपका क्या आ गया केरला. उसके बाद आ गया महाराष्ट्र एंड लास्ट में क्या आ गया बच्चा गुजरात. सो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है ठीक है. गोवा केरला महाराष्ट्र एंड गुजरात. अब अपना ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है. गोवा केरला महाराष्ट्र एंड गुजरात. देन द आंसर विल बी सी ऑप्शन. ओके हाँ जी रोहित ठीक है. ओके चलो अब आपको पता है जगन्नाथ जी. तो बच्चा जगन्नाथ जी इज कंसिडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड. जैस्मिन एंड अमोक एंड बिलोरिया साहब. मैं विष्णु जी. विष्णु जी. मैं विष्णु. विष्णु जी. विष्णु जी थोड़ी रिस्पेक्ट के साथ गॉड है हमारे. ओके लॉर्ड विष्णु कह दो. विष्णु जी क्या होता है. चलो ठीक है. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. हमारा जो ए ऑप्शन है लॉर्ड विष्णु है और विष्णु जी भगवान जगन्नाथ की इज अ फॉर्म ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम होने वाला है जल्दी से कर लेते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन. क्रिकेट में एक योयो टेस्ट होता है. अब ये योयो टेस्ट होता है किस चीज को मेजर करने के लिए. जीवन और रतन बताएंगे. बताइए जीवन एंड रतन. मैम फिटनेस लेवल. फिटनेस लेवल ओके. फिटनेस लेवल. यस फिटनेस लेवल ओके. चलिए आंसर देखते हैं.
सर वैसे इज द राइट आंसर. ये देखिए आपका जो यूयो टेस्ट है बच्चा, ये एक बेसिकली रनिंग होता है, इसमें रनिंग होती है पॉन्स के बीच में, आपको एक एज तक जाना है फिर वापस रिटर्न होकर के आना है. तो इस तरीके से ये बच्चा आपके फिटनेस लेवल को मेजर करने के लिए बनाया जाता है. चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? वेयर वॉज द आजाद हिंद फौज एस्टेब्लिश्ड? पुलकित, शौर्य. इंडिया. सिंगापुर. ओके, कैसा लगता है, क्या है आंसर? मैम सिंगापुर इज द राइट आंसर. यस सिंगापुर इज द राइट आंसर. चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल? तो आदित्य आप ही आंसर कर दीजिए बच्चा, टाइम होने वाला है, फटाफट आंसर करते जाइए. लैरी पेज और सर्जी बीन. यस लैरी पेज एंड सर्जी बीन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन. What is the main ingredient of silica? फटाफट भव्य आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन. सिलिका. सो बच्चा जो सिलिका है इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ग्लास, का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सिलिका. क्वेश्चन नंबर 87. विच फ्लावर इज व्हाइट इन कलर? बच्चा इसमें सिर्फ जैस्मिन ऐसा फ्लावर है जो टोटल व्हाइट है, बाकी जो फ्लावर्स है उसमें डिफरेंट कलर्स हैं. हम कह सकते हैं सिर्फ ये जो जैस्मिन फ्लावर है बच्चा वो क्या है, हमेशा व्हाइट कलर में ही होता है. तो इस क्वेश्चन में हम लोग वी विल गो फॉर जैस्मिन. इस क्वेश्चन में हम लोग कौन सा पिक करेंगे, जैस्मिन ऑप्शन जो है हम लोग वो पिक करेंगे. चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑर्गन प्यूरिफाई आर ब्लड? ब्लड को कौन सा ऑर्गन प्यूरिफाई करता है? मैम हार्ट. लिवर. मैम लिवर. लिवर इज द राइट ऑप्शन. ओके, लिवर जो है बच्चा वो आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है. ओके हाँ जी बच्चा. मैम हमने ना मैम कल ही मैम यूट्यूब से मैम इसका वो कर लिया था मैम जीके का क्वेश्चन. ओके ओके बच्चा ठीक है चलो. ठीक है सो ये क्या करता है बच्चा, हमारे हार्ट को प्योरीफाई करता है. वैसे यूट्यूब में जरूरी नहीं हमेशा ही सब कुछ सही हो. चलो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म ऑफ, अब मैं ही बता देती हूँ फटाफट से आपको आंसर. कुचिपुड़ी बच्चा आंध्र प्रदेश की एक डांस फॉर्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. इसरो ने एक न्यू ह्यूमनाइड रोबोट निकाला है, तो बेटा ये जो ह्यूमनाइड रोबोट है ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रहा ये व्योमित्र नाम है इसका, और ये एक फीमेल रोबोट है, मेल नहीं है, दिस इज फीमेल रोबोट. तो ये जो आपका इसरो ने व्योमित्र निकाला है वो अब नेक्स्ट क्या करेगा बच्चा, उसको वो आगे स्पेस में भेजने वाला है. चलो भारत के किस शहर को नीले शहर को कहते हैं? ब्लू सिटी. जोधपुर राजस्थान में है, ब्लू सिटी जोधपुर, उसको ब्लू सिटी कहते हैं. विच कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर? शॉर्टेस्ट बॉर्डर बच्चा कौन शेयर करता है? अफगानिस्तान. एंड लॉन्गेस्ट कौन करता है? बांग्लादेश शेयर करता है. तो कीप दिस थिंग इन माइंड. रिसेंटली कौन सा अवार्ड हुआ है बच्चा? ये जो है अवार्ड ये बहुत ज्यादा रिसेंट हुए हैं मार्च एंड अप्रैल में, तो हम लोग इनको चूज नहीं करेंगे. वी विल गो फॉर ऑस्कर अवार्ड. ठीक है, पर ये तो अभी इसमें एक अवार्ड तो आपके एग्जाम के अगले दिन हुआ था, तो इतना रिसेंट नहीं होगा आंसर. सो दिस इज द रीजन कि जो आपके हैं हम लोग वी विल गो फॉर ऑस्कर अवार्ड, बिकॉज इसमें से एक जो है बच्चा वो आपके एग्जाम के एमी अवार्ड है, ग्रेमी अवार्ड है, इसमें से एक जो आपके एग्जाम के नेक्स्ट डे हुआ है, तो एक आई थिंक मार्च या अप्रैल में हुआ है. सो वी विल गो फॉर ऑस्कर. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. अभी यूनेस्को ने 2020 लिस्ट ऑफ यंग लीडर्स में किसको ऐड किया है? तो बच्चा उदित सिंघल को ऐड किया है. उन्होंने एक सैंड टू ग्लास करके इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, सो दिस इज द रीजन कि उनको शामिल किया गया है. क्वेश्चन नंबर 95. विच कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ? आइवरी कोस्ट एंड ऑल्सो घाना. घाना भी हो सकता है, बट इसमें घाना ऑप्शन नहीं है, तो आइवरी कोस्ट. यूएस ओपन टूर्नामेंट 2020 हु वॉन? डोमिनिक थिम ने ये जीता है. Next question is, which of the following is the shortest continent? सबसे छोटा कौन सा है बच्चा? We all know that is Australia. Samba, Brazil की dance form है. Long किसका part है बच्चा? ये एक flower bud है, that is a flower bud, D option. And Professor Amar Sen को किसके लिए Nobel पुरस्कार मिला है? Economics में. Economics के लिए उनको बच्चा Nobel पुरस्कार या Nobel Prize मिला है. तो ये आपके सारे आंसर हो गए. इसमें ब्राजील राइट आंसर है, इसमें फ्लावर बर्ड प्राइस आंसर है, एंड इसमें नेक्स्ट में क्या है बच्चा? इकोनॉमिक्स.
के लिए इनको क्या मिला है, अवार्ड मिला है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।